क्लास ट्वेल्थ के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचते हैं, तो दिमाग में एक आइडियल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ख्याल जरूर आता है। बहुत से कैंडिडेट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने की सोच कर ही तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आकाश को लॉ की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करनी थी और उसने क्लास ट्वेल्थ से ही बहुत मेहनत की थी ताकि वो DU पहुंच सके। आप किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, तो वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी होती है जहां से आपको डिग्री दी जाती है। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आप रेगुलर और डिस्टेंस इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपके मन में कभी ये ख्याल आया हो कि इंडिया में अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहे तो ये कैसे पॉसिबल है, तो आज क्विक सपोर्ट इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंडिया में कितनी तरह की यूनिवर्सिटीज होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और इनकी फंडिंग, मैनेजमेंट, रखरखाव सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट में भी यूनिवर्सिटी दो तरह की होती है, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, AMU ये सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। दूसरा टाइप है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इस तरह की यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है और गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, लेकिन इनकी फंडिंग गवर्नमेंट से नहीं होती है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स, बिजनेस हाउसेस, इन्वेस्टर्स इनमें अपना पैसा लगाते हैं, जैसे कि LPU, MET वगैरह। इन दो तरह की यूनिवर्सिटीज के अलावा भी सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा देते हैं। पब्लिक या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है वो आसान है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, यानी एफिलिएशन, परमिशन और अप्रूवल दे दी जाती है। साथ ही इनके स्टैंडर्ड्स, कोर्स सिलेबस वगैरह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होता है। गवर्नमेंट के अंडर में होने से सारा काम गवर्नमेंट के बिहाफ से आसानी से हो जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। तो कौन खोल सकते हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी? तो उसका जवाब ये है कि सिर्फ पैसे होने भर से काम नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC की गाइडलाइंस में कहा गया है कि पहला, कोई सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 यानी कि सेंट्रल एक्ट नंबर 21 ऑफ 1860 के अंडर रजिस्टर्ड हो। दूसरा, कोई भी पब्लिक ट्रस्ट जो स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 यानी सेंट्रल एक्ट नंबर 2 ऑफ 1882 या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बने कानून के तहत रजिस्टर्ड हो। या फिर तीसरा, कोई कंपनी जो सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हो। तो अब आगे बात करते हैं कि क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस या प्रपोजल भेजने का तरीका। अगर कोई सोसाइटी या कंपनी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने में इंटरेस्टेड है, तो उन्हें एक डिटेल्ड प्रपोजल बनाकर MHRD मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को भेजना होगा, जिसके साथ 1,00,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर हायर एजुकेशन के नाम पे अटैच करना होगा। साथ ही इस एप्लीकेशन में ढेर सारे डिटेल्स भी आपको डालने होंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, यूनिवर्सिटी के बायलॉज, यूनिवर्सिटी का नाम, लोकेशन और हेडक्वार्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी किन चीजों की पढ़ाई करवाएगी और इसका डोमेन क्या होगा। मतलब अगर ये सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाएगी तो ये एक सिंगल डोमेन यूनिवर्सिटी कहलाएगी। अगर ये इंजीनियर, लॉ और मैनेजमेंट जैसे कई और फील्ड की पढ़ाई करवाएगी तो ये एक मल्टी डोमेन यूनिवर्सिटी होगी। किस तरह के प्रोग्राम्स, कोर्स, ट्रेनिंग और रिसर्च करवाए जाएंगे, फी, स्कॉलरशिप का स्ट्रक्चर, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन, एकेडमिक रिसर्च और ट्रेनिंग फैसिलिटी क्या है, कैंपस डेवलपमेंट का प्लान, पढ़ाई जाने वाले कोर्सेज पर क्या खर्चा आएगा, तो ऐसी और भी ढेर सारी जानकारी आपको इस प्रपोजल में भेजनी पड़ेगी। तो अब आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रपोजल आपने भेजा है उसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर एक स्टेट कमेटी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स और एकेडमिक सिस्टम की जानकारी रखने वाले लोग आपके प्रपोजल का इंस्पेक्शन करने आएंगे। अगर कमेटी को कोई खामियां दिखती है तो उसे दूर करने को कहा जाएगा और उस पर काम करना पड़ेगा। कमेटी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आप काम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर करने वाली बॉडी को एक एंडोमेंट फंड भी जारी करना होगा, जो सिंगल डोमेन के लिए 5 करोड़ और मल्टी डोमेन के लिए 8 करोड़ का होगा। इस तरीके से आगे यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरिंग बॉडी की बाकी जिम्मेदारियों की अगर बात करें, तो स्पॉन्सरिंग बॉडी को सिंगल डोमेन यूनिवर्सिटी के लिए 10 एकड़ या उससे ज्यादा
और मल्टी डोमेन के लिए 25 एकड़ या उससे ज्यादा की जमीन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी जो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर्स की होनी चाहिए, जिसमें एकेडमिक बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेक्चर थिएटर, लेबोरेटरीज भी एटलीस्ट 10,000 स्क्वायर मीटर्स की होनी ही चाहिए। टीचर्स के लिए भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फैसिलिटी, गेस्ट हाउस या हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए, जिनकी कैपेसिटी टोटल स्टूडेंट्स का 25% रखनी पड़ेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में फर्नीचर, कंप्यूटर्स, लैब इक्विपमेंट और बाकी जरूरी चीजें भी आपको खरीदनी होंगी। साथ ही हर डिपार्टमेंट के लिए एक क्वालिफाइड प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर्स और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ सपोर्टिंग स्टाफ भी आपको रखने पड़ेंगे। लेकिन काम यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरिंग बॉडी को जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला, उसमें बताए गए नियम और जरूरी चीजें पूरी करने के 2 साल के भीतर स्पॉन्सरिंग बॉडी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। फिर कमेटी उसे स्टेट गवर्नमेंट के पास पेश करेगी और बताएगी कि यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी चीजें हासिल कर ली गई है। स्टेट गवर्नमेंट फिर उस यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एक्ट बनाने के लिए रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा में अप्रूवल के लिए भेजेगी। लेजिस्लेचर से अलग से एक्ट पास किया जाएगा और एक नोटिफिकेशन निकाली जाएगी जो कि यूजीसी और एमएचआरडी को भेजी जाएगी। यूजीसी फिर उस यूनिवर्सिटी को एक अप्रूवल यूनिवर्सिटी का दर्जा देगी और वहां से यूनिवर्सिटी की जर्नी शुरू होगी। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए करोड़ों का खर्चा आएगा। इन सब के अलावा भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन की क्वालिटी क्या होगी, कैंपस कितना शानदार होगा, हर फील्ड की पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं और टीचिंग स्टाफ कितने हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की क्या सुविधा रहेगी, हॉस्टल और कैंटीन कैसा होगा, स्टूडेंट्स को कैंपस में क्या सुविधा मिलेगी, सिक्योरिटी, बस सर्विस, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी, एग्जामिनेशन पर होने वाले खर्च, प्लेसमेंट एंड कैंपस रिक्रूटमेंट फैसिलिटी जैसी चीजों का स्टैंडर्ड क्या होगा। ऐसे ढेर सारे पॉइंटर्स हैं जिनको साथ में कैलकुलेट करने पर आपको पूरा एक्सपेंडिचर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं वेबसाइट की। डिजिटल एज में वेबसाइट होना कॉमन बात है, पर वेबसाइट को मेंटेन, अपडेटेड और सिक्योर रखने पर भी खर्चा आता है। यूनिवर्सिटी के तौर पर आप अपनी जो इमेज दिखाएंगे, आपकी रेपुटेशन भी वैसी ही बनेगी। इसलिए एक अच्छी वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है, ताकि देश भर से अगर कोई स्टूडेंट आपको सर्च करता है तो वेबसाइट से उसे कंप्लीट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन मिले। इससे आपके स्टूडेंट्स बढ़ने के चांसेस बेहतर होंगे। और अब बात करते हैं ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग की। LPU, MET, शारदा यूनिवर्सिटी, ऐसे ढेर सारे नाम है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर अपनी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग पर काफी ध्यान देते हैं। इसलिए आप हर तरह के मीडियम, टीवी, डिजिटल होर्डिंग्स के जरिए अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शहर या राज्य के स्टूडेंट्स किस तरह की हायर एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वहाँ पर आपको उसी पॉइंट को हाईलाइट करना होगा, जैसे कि उत्तराखंड से ज्यादा बच्चे डिफेंस और होटल मैनेजमेंट में जाने की सोचते हैं। और आगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करें तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम से आप हर तरह के स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में ला सकते हैं। इससे एक सोशल मैसेज भी जाता है और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को एंट्री भी मिल जाती है, जिससे इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी का ही नाम रोशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा भी आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से टाई अप कर सकते हैं, जहां से ट्रेनिंग प्रोग्राम, फेलोशिप, रिसर्च के लिए अपने स्टूडेंट्स को मौका दिलवा सकते हैं, जो आपके रेपुटेशन को बढ़ाएगी। इसके बाद बात करते हैं सोशल वर्क एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर यूनिवर्सिटी को चलाने वाला ग्रुप कॉर्पोरेट हाउस है तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आपको समाज की भलाई के लिए भी खर्च करना पड़ता है, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इनमें आप यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया का डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स को एजुकेशनल फैसिलिटी देने और गरीब स्टूडेंट्स को एडमिशन, ट्री प्लांटेशन ड्राइव जैसी ढेर सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे एस्टेब्लिश की जाए इसकी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है या कोई दूसरा टॉपिक है जिस पर आप आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो हमें लिख भेजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ यूं ही अपना सपोर्ट हमेशा की तरह बनाकर रखिए। वैसे जितने नए लोग आज हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, यानी कि क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारियां कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।